बैंकॉक से तकरीबन 150 किलोमीटर दूर एक शहर है जो कि मौज मस्ती के लिए बेहद मशहूर है। इस शहर का नाम है पटाया। चाहे कपल्स हो, चाहे हो फैमिली या हो सोलो ट्रेवलर, हर तरीके के टूरिस्ट के लिए ये शहर एक मनोरंजक साथी है। ये शहर समुद्री तट पर है जिसकी वजह से यहाँ के बीचेस, समुद्री खेल, यहाँ की नाइट लाइफ, यहाँ का सनसेट, यहाँ तक कि यहाँ की मार्केट भी दुनिया भर से टूरिस्ट को आकर्षित करती है। तो आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि पटाया शहर इतना अद्भुत क्यों है और इस शहर की टॉप 15 जगहें जहाँ पर एज अ टूरिस्ट आपको जरूर जाना चाहिए। यदि आप नए हैं तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, सिर्फ दबाइए लाल बटन और इसके बाद दबाएं घंटे का निशान। श्री रच्चा टाइगर जू। अगर आप पटाया आए और आपने शेर के बच्चे को दूध नहीं पिलाया तो आपका पटाया ट्रिप अधूरा है। श्री रच्चा टाइगर जू पटाया का सबसे बड़ा टाइगर जू है जो कि क्लेम करता है कि उसके पास तकरीबन 200 शेर और 10,000 क्रोकोडाइल हैं। श्री रच्चा टाइगर जू थाईलैंड का अकेला ऐसा जू है जहां पे आप शेरों के साथ, मगरमच्छ के साथ और हाथी के साथ आंख में आंख डालकर फोटो खिंचवा सकते हैं। जबरदस्त जगह है, इससे बढ़िया जू मैंने आज तक नहीं देखा। टाइगर के साथ चल सकते हो, फोटो खिंचा सकते हो, उनको दूध पिला सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। इसी के साथ साथ यहाँ पे बहुत सारे टाइगर शोज, एलिफेंट शो, स्कॉर्पियन शो, पिग रेसिंग और क्रोकोडाइल शो भी मिल जाएंगे। श्री रच्चा टाइगर जू पटाया के आउटस्कर्ट्स में पड़ता है जो कि सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 5:30 बजे तक खुला होता है। श्री रच्चा टाइगर जू में जाने की एंट्री फीस होती है 480 बाट जो कि ऑनलाइन काफी बड़े डिस्काउंट पे भी आपको मिल सकती है। श्री रच्चा जू की सारी शो टाइमिंग्स बहुत ही स्पेसिफिक हैं जो कि आपको टाइगर जू के बाहर या फिर उसकी ऑनलाइन वेबसाइट पे लगी हुई मिल जाएंगी। बिग बुद्धा टेम्पल। जैसे कि इसका नाम बताता है, बिग बुद्धा टेम्पल एक बुद्धिस्ट टेम्पल है जिसमें बुद्धा जी की तकरीबन 12 मीटर लंबी गोल्ड प्लेटेड मूर्ति स्थित है। बिग बुद्धा टेम्पल बना था 1972 में और तब से यह पटाया का एक मेजर लैंडमार्क और सबसे बड़े टूरिस्ट अट्रैक्शन में से एक बन चुका है। बिग बुद्धा टेम्पल की सबसे बड़ी अट्रैक्शन है बिग बुद्धा टेम्पल तक जाने वाली यहाँ की सीढ़ियाँ, जिसके दोनों तरफ आपको गोल्डन ड्रैगन दिखेगा जो कि इंडियन मैथोलॉजी के मिस्टिकल स्नेक जिसका नाम था नागाज को रिप्रेजेंट करता है। गाइस, ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हो ये मिस्टिकल ड्रैगन्स हैं जिनके 7 सर होते हैं। ये यहाँ से दोनों तरफ, एक इस तरफ भी है और इस तरफ भी है, ये ऊपर तक जाते हैं बिग बुद्धा के टेंपल तक। और विष्णु जी के जो 7 सर वाले नाग देवता है ये उन्हीं को रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ पे बुद्धा जी ने रिप्रेजेंट करा है विष्णु जी को। यहाँ पे बुद्धा जी की सबसे बड़ी मूर्ति के अलावा 7 छोटी मूर्तियां भी हैं। बिग बुद्धा टेम्पल सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 10 बजे तक खुला होता है जिसकी एंट्री फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे आने का सबसे अच्छा समय है सुबह सनराइज के वक्त या शाम को सनसेट के वक्त। सेंचुरी ऑफ ट्रुथ। सेंचुरी ऑफ ट्रुथ एक लकड़ी की बनाई गई इमारत है जो कि बुद्धिज्म और हिंदुइज्म की मान्यताओं पर आधारित है। इस इमारत को बनाने का मुख्य कारण लोगों के अंदर अच्छाई भरना और लोगों के अंदर की बुराई को मारना था। इस इमारत की एक एक नकाशी हाथों से की गई है जो कि प्राचीन काल के थाईलैंड और वहां के धर्मों को दर्शाती है। सेंचुरी ऑफ ट्रुथ में प्रवेश करने की टिकट आपको 500 भात में मिल जाएगी और बच्चों के लिए ये टिकट होगी 250 भात की। सेंचुरी ऑफ ट्रुथ सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक खुला रहता है। अगर आप सेंचुरी ऑफ ट्रुथ आ रहे हैं तो ऐसे कपड़े पहन के आएं जिससे आपका शोल्डर और आपके नीज ढके हुए हों, क्योंकि थाईलैंड वासियों के लिए ये जगह पूजनीय है और एक मंदिर की तरह है और मंदिर में जाने का तरीका हम सब जानते हैं। पटाया फ्लोटिंग मार्केट। पटाया फ्लोटिंग मार्केट पटाया की एक रिवर साइड अट्रैक्शन है जो कि थाईलैंड की रिवर साइड कम्युनिटी और ट्रेडिशनल वे ऑफ लिविंग को प्रमोट करती है। पटाया फ्लोटिंग मार्केट ही वो मार्केट है जहां पे आप कोई भी सामान खरीद सकते हैं लेकिन नाव पे बैठे बैठे। पटाया फ्लोटिंग मार्केट पटाया के उस जमाने को दर्शाती है जब पटाया नदियों से घिरा था और पटाया में ट्रेड करने के लिए नाव के द्वारा ही ट्रेड किया जाता था। लेकिन आज के जमाने पे पटाया फ्लोटिंग मार्केट यूजुअली यूज होती है एज अ टूरिस्ट अट्रैक्शन। ऐसी मार्केट आपको इंडोनेशिया, वियतनाम, श्रीलंका, बांग्लादेश में भी देखने को मिल जाएंगी। पटाया फ्लोटिंग मार्केट भी साउथ पटाया में है जो कि सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक खुली होती है। पटाया फ्लोटिंग मार्केट में एंट्रेंस फीस है 200 भात, लेकिन आप इससे ज्यादा बड़े पैकेजेस भी ले सकते हैं जिसमें आपको खरीदारी के साथ साथ वहां की टॉप अट्रैक्शंस देखने का मौका भी मिल सकता है। पटाया पार्क टावर। पटाया पार्क टावर पटाया का सबसे बड़ा सी साइड टावर है जिसके टॉप पर आपको रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट भी मिलेगा। पटाया पार्क टावर से तकरीबन पूरा पटाया दिख सकता है जिसका ऑब्जर्वेशन डेक 55th फ्लोर पे स्थित है। पटाया पार्क टावर पे आपको कई मनोरंजक एक्टिविटीज भी मिलेंगी जिसमें इंक्लूडेड है टावर जंप, स्पीड शटल और स्की शटल। अगर आप एक्सट्रीम स्पोर्ट्स के शौकीन हैं
तो ये जगह आपके लिए बेस्ट है। पटाया पार्क टावर अपनी केबल राइड के लिए भी बहुत मशहूर है, जो कि पटाया पार्क टावर के टॉप फ्लोर से शुरू होके ग्राउंड फ्लोर तक जाती है। इस टावर की एंट्री 300 बात है और पटाया पार्क टावर के टॉप से आपको 360 व्यू देखने का मौका मिल सकता है। ये टावर सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक खुला होता है और इस टावर को मिस करना नहीं बनता। जोमटीन बीच, जोमटीन बीच वाटर स्पोर्ट्स के लिए सबसे ज्यादा मशहूर है। यहाँ पर आपको बीच होटल, रेस्टोरेंट्स एंड कॉन्डोमिनियम्स भी बड़े सस्ते रेट में मिल जाएंगे। जोमटीन बीच के सबसे मशहूर वाटर स्पोर्ट्स में है जेट स्की, पैराग्लाइडिंग, स्कूबा डाइविंग और मोटरबोट राइडिंग। जोमटीन बीच पूरे टाइम खुला रहता है, बस यहाँ के बीचेस में शाम को 6 बजे के बाद जाना अलाउड नहीं है, क्योंकि रात को हाई टाइड होती है और वहाँ पे टूरिस्ट के डूबने का खतरा होता है। जोमटीन बीच पे एंट्री टोटली फ्री है और इसी के साथ साथ यहाँ की बीच मार्केट भी बहुत मशहूर है। अगर आप पटाया पूरी तरीके से देखना चाहते हैं तो साउथ पटाया में जोमटीन बीच के बिना पटाया पूरा नहीं हो सकता। जोमटीन नाइट मार्केट, जोमटीन नाइट मार्केट जोमटीन बीच पे पड़ती है, जो कि साउथ पटाया की सबसे बड़ी मार्केट है। ये मार्केट यहाँ के इंडिपेंडेंट फूड स्टॉल, कपड़ों और सोविनियर्स के लिए मशहूर है। जोमटीन नाइट मार्केट 5 बजे से लेकर शाम को 11 बजे तक खुली होती है। जोमटीन नाइट मार्केट की एंट्री फ्री है, बट आप यहाँ पे जो भी एक्टिविटीज करते हैं उसका पैसा आपको खुद ही देना पड़ेगा। जोमटीन नाइट मार्केट आने का सबसे आसान तरीका है यहाँ का लोकल ट्रांसपोर्ट, यहाँ का टुक टुक, क्योंकि ये मार्केट ऑन रोड ही है तो आपको यहाँ आने में कोई दिक्कत नहीं होगी। व्हाट इज दिस? दिस इज ऑक्टोपस। इट्स वेरी अनकॉमन इन इंडिया। I'm vegetarian. मिनी सियाम, मिनी सियाम पटाया का सबसे फेमस मिनिएचर पार्क है, जो कि सुकुमवित रोड पे पड़ता है। मिनी सियाम का प्रोजेक्ट शुरू हुआ था 1985 में और ये पूरा हुआ 1986 में, जिसमें मिनी यूरोप का मिनिएचर, बुकिंग हॉल, सोविनियर शॉप्स और ऐसे 29 अलग अलग मिनिएचर आपको मिल जाएंगे। मिनी सियाम पार्क रोज सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 9 बजे तक खुला होता है, जिसकी एंट्री 300 भात की है। मिनी सियाम पार्क की एंट्री टिकट आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं, जिससे आपको वहां की एंट्री की लंबी लंबी लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा। आर्ट ऑफ पैराडाइज, आर्ट ऑफ पैराडाइज थाईलैंड का सबसे बड़ा 3-डायमेंशनल म्यूजियम है, जो कि 2500 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है और इसमें तकरीबन 150 पेंटिंग लगाई गई हैं। आर्ट ऑफ पैराडाइज के अंदर सारी पेंटिंग तकरीबन 15 प्रोफेशनल आर्टिस्ट ने बनाई हैं, जो कि कोरिया और थाईलैंड से बुलाए गए थे। आर्ट ऑफ पैराडाइज में सारी पेंटिंग बनाने में तकरीबन 2.5 महीने लगे और इसको बनाने में जो टेक्निक यूज हुई है वो थाईलैंड में इससे पहले कभी यूज नहीं हुई। आर्ट ऑफ पैराडाइज सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 10 बजे तक खुला होता है और इसमें जाने की एंट्री फीस होती है 290 बात। आर्ट ऑफ पैराडाइज में जाने के लिए एक जरूरी सलाह, यहाँ अपना कैमरा लेके जरूर जाइएगा, क्योंकि अगर आपने वहां जाके फोटो खिंचवाई उनके कैमरा से तो उसके आपको अलग से पैसे देने पड़ेंगे, जो कि आपकी टिकट्स में इंक्लूड नहीं होंगे। टर्मिनल 21 मॉल, टर्मिनल 21 मॉल पटाया के एक साधारण मॉल से बढ़कर बहुत कुछ है। इस मॉल को एक ट्रांसपोर्टेशन हब की तरह बनाया गया है, जिसमें दुनिया की ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज को दर्शाया गया है। टर्मिनल 21 मॉल में जैसे ही आप आगे बढ़ते जाएंगे, आपको अलग अलग कंट्रीज को एक्सपीरियंस करने का मौका मिलता जाएगा। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको इस मॉल का पूरा गोल्डन गेट ब्रिज बनाया हुआ है भाइयों ने। ये देखो पूरा का गोल्डन गेट ब्रिज। यहाँ पर इटली, पेरिस, टोक्यो, लंदन, सैन फ्रांसिस्को और हॉलीवुड से लेकर इस्तांबुल तक की सारी कंट्रीज के स्पेशल अट्रैक्शंस मौजूद हैं। ये मॉल तकरीबन 6 फ्लोर का है और यहाँ पे आने की कोई एंट्री फीस नहीं है। टर्मिनल 21 मॉल पटाया में अक्टूबर 2018 को शुरू हुआ था, जो कि सेंट्रल पटाया में वॉकिंग स्ट्रीट पर स्थित है। ये मॉल सुबह 11 बजे से लेकर शाम को 11 बजे तक खुला होता है और इस मॉल की एंट्री फ्री है। कार्टून नेटवर्क वाटर पार्क, कार्टून नेटवर्क अमेजोन वाटर पार्क दुनिया का सबसे पहला कार्टून नेटवर्क की थीम पे बसाया हुआ वाटर पार्क है। ये पार्क 6 अलग अलग जोन में डिवाइडेड है, जिसमें अलग अलग तरीके की 18 वाटर स्लाइड हैं। कार्टून नेटवर्क अमेजन वाटर पार्क में आपको कार्टून नेटवर्क के मर्चेंडाइज भी आराम से मिल जाएंगे, जिसमें इंक्लूडेड है स्विमवेयर, टी शर्ट, स्वेटर, टॉल्स और बच्चों के लिए खिलौने। कार्टून नेटवर्क सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक खुला होता है और यहाँ की एंट्री फीस है 425 भात, लेकिन ऑनलाइन आपको एंट्री फीस डिस्काउंट पे भी मिल जाएगी, क्योंकि ऑनलाइन इसके अलग अलग वेंडर्स अलग अलग ऑफर देते रहते हैं। कार्टून नेटवर्क थीम वाटर पार्क में आने का एक सजेशन, आप यहाँ पे अपना स्विमिंग कॉस्ट्यूम साथ लेके चलिएगा
और अंदर खाना और पीना ले जाना अलाउड नहीं है, तो सब कुछ आपको अंदर ही खरीदना पड़ेगा। पटाया सिटी साइन, पटाया सिटी साइन पटाया का सबसे बड़ा लैंडमार्क है जहां पर कोई भी टूरिस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट जा सकता है। यूजुअली यहां पे इंडिपेंडेंट ट्रैवलर्स अपनी फोटो खींचने आते हैं, सेल्फी लेने आते हैं और यहां के ब्यूटीफुल सनसेट का मजा लेने आते हैं। पटाया सिटी साइन पटाया बीच के बेहद करीब है, जहां से कोरल आइलैंड जाने की बोट या फिर फेरी आपको मिलती है। पटाया सिटी साइन 24 घंटे खुला है और यहां आने की कोई फीस नहीं लगती। पटाया सिटी साइन के लिए एक सजेशन, यहां पे सनसेट के टाइम आइएगा तकरीबन 5:30 बजे ताकि आप यहां का बेहतरीन सनसेट व्यू मिस ना कर पाए। पटाया बीच, पटाया बीच पटाया का सबसे फेमस टूरिस्टिक स्पॉट है। ये तकरीबन 4 किलोमीटर लंबी कोस्ट लाइन है और इसे आप पटाया का स्टार अट्रैक्शन भी कह सकते हैं। ये पटाया के सबसे बड़े बीचेस में से एक है और यहां पर ही सबसे ज्यादा वाटर स्पोर्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। पटाया बीच सेंट्रल पटाया में पड़ता है जो कि शाम को 6 बजे तक खुला होता है। 6 बजे के बाद पटाया बीच में एंट्री निषेध है। पटाया बीच में जाने की आपकी कोई एंट्री फीस नहीं लगेगी, इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन आप वहां पे जो भी एक्टिविटी करेंगे उसका कॉस्ट आपको खुद ही बियर करना पड़ेगा। वॉकिंग स्ट्रीट, वॉकिंग स्ट्रीट पटाया का सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट जोन है और सबसे बड़ा रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट भी। इस एरिया में आपको आसानी से सी फूड रेस्टोरेंट, लाइव म्यूजिक, बूज, डिस्कोटेक, स्पोर्ट्स बार बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। वॉकिंग स्ट्रीट पटाया की सबसे बड़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन है जिसने फॉरेनर्स को कई सालों से अपनी तरफ आकर्षित करा हुआ है। वॉकिंग स्ट्रीट मेनली अपनी रात की चकाचौंध के लिए मशहूर है। वॉकिंग स्ट्रीट भी सेंट्रल पटाया में पड़ती है, पटाया बीच के बेहद करीब, जो कि तकरीबन शाम को 5 बजे से लेकर सुबह 3 बजे तक खुली होती है। हालांकि वॉकिंग स्ट्रीट पूरे दिन खुली रहती है, लेकिन यहाँ पे आने का सबसे बढ़िया टाइम है शाम को 5 बजे से लेकर सुबह 3 बजे तक। वॉकिंग स्ट्रीट में आने के लिए आपका पर्सनल व्हीकल अलाउड नहीं है, इसीलिए ये सजेशन है कि आप या तो यहाँ लोकल ट्रांसपोर्ट से आए या फिर अपनी स्कूटर या टू व्हीलर हायर करके आए। कोरल आइलैंड, कोरल आइलैंड पटाया का सबसे बड़ा टूरिस्टिक स्पॉट है जो कि पटाया के समुद्री तट से 45 मिनट की बोट राइड दूर है। ये पटाया के करीब स्थित सबसे बड़ा आइलैंड है जो कि अपने ब्यूटीफुल बीचेस और नीले पानी के लिए मशहूर है। कोरल आइलैंड जाने के लिए फेरी आपको पटाया सिटी व्यू पॉइंट के पास से मिल जाएगी। यहां जाने के लिए आप मोटर बोट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं जो कि सिर्फ 10 मिनट में आपको कोरल आइलैंड पहुंचा देगी। कोरल आइलैंड में कई सारे बीचेस हैं जो कि एक से बढ़कर एक हैं, तो ये डिसाइड आपको करना है कि आप कौन से बीच में जाना चाहेंगे। यहाँ के हर बीच में आपको जेट स्की, स्नॉर्कलिंग, बनाना राइड और स्पीड बोट की राइड मिल जाएगी। कोरल आइलैंड जाने की कोई एंट्री फीस नहीं है, लेकिन यहाँ जाने की फेरी की टाइमिंग है जिसके इंटरवल्स आपको इंटरनेट पे आसानी से मिल जाएंगे। तो गाइज ये थी पटाया की वो 15 जगह जो हर टूरिस्ट देखना चाहेगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई है तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। इस वीडियो के लिए भी हमारा 150 लाइक्स का टारगेट है जो कि सिर्फ आप पूरा कर सकते हैं। और पटाया की हमने ऐसी ही हर जगह की स्पेसिफिक वीडियो भी बना रखी है जिसका लिंक आपको हमारे कार्ड्स में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जितनी भी जगह इस वीडियो में दिखाई गई है उसकी स्पेसिफिक वीडियो देखने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे अभी क्लिक करें। और इस वीडियो के लिए हमारा कमेंट कॉन्टेस्ट ये है कि आपको इस वीडियो में दिखाई गई 15 जगहों में से सबसे बढ़िया जगह कौन सी लगी और क्यों। और यदि आप नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले। बस दबाएं लाल बटन और इसी के साथ दबाएं घंटे का निशान। सो इट वाज वेरी नाइस टू बी विद यू अगेन। बी वेल, नमस्ते। हाय हाय थाईलैंड।